मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार शिमला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। मौका था विद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं विद्यालय के लिए मंगलवार का ये दिन ऐतिहासिक भी रहा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहली से लेकर दसवीं तक की पढ़ाई इसी विद्यालय में हुई थी। ये मौका और भी खास हो गया जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने हाथों से अपनी अध्यापिका को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सहपाठी भी देखने को मिले। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज के इस दिन को विशेष और खास बताया, साथ ही बच्चों द्वारा पेश की गई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जमकर सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी बचपन की यादों को भी साझा किया, साथ ही इस विद्यालय से जुड़ी हर याद का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा पेश की गई नाटी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू झूमते भी नजर आए। उसमें बिठाया करते थे, कई बच्चों के पास वो भी नहीं हुआ करता। फिर हम पांचवीं में गए तो भी हमको बेंच नहीं मिले। फिर जब हम आठवीं में गए तो हमने बेंच के लिए संघर्ष किया और बेंच हमें कुछ बच्चों को मिले। फिर हमने दसवीं जब पास की तो आपको पता होगा कि इस स्कूल से पहली बार हिमाचल में एचपी बोर्ड में टॉप किया। इस स्कूल से एक बच्चे ने जो मेरे साथ हमारे साथ पढ़ता था उसने हिमाचल के बोर्ड में टॉप किया। वो शिव कृष्ण प्राचार्य जी थे, वो एसडीएम लगे। तब स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, लाल पानी स्कूल बोलते थे, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, लखनऊ बाजार स्कूल हुआ करता था, टीए स्कूल हुआ करता था, जो कुसुमटी क्षेत्र था वो बहुत छोटा हुआ करता था। महली जुनगा से नीचे बड़ा गांव से लोग आया करते थे। और इस स्कूल के साथ जो नीचे बिल्डिंग बनी है, सेब का बगीचा हुआ करता था, सेब हुआ करते थे। तो हम क्या करते थे, तो जब हमारे आप जैसे थे ना छोटे, स्कूल का बचपन जो होता ना वो शरारत के लिए होता है। काय के लिए होता है? आप भी करते कि नहीं करते? तो हम क्या करते थे, नीचे चुपके से पांच साल लड़के इकट्ठे हो जाते थे और सेब चोरी करते थे। क्या करते थे? यहाँ नीचे बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था, तो जब आधी रिसेस होती थी, आधी छुट्टी होती थी ना, तो उसमें जाकर हम सेब लाया करते थे, सेब खाया करते थे। फिर उस समय स्कूल्स में मूंगफली मिलती थी, चने मिलता था बच्चों को ना, तो हम देखते थे कि कोई चला गया टीचर, तो हम मूंगफली की बोरी से काफी मूंगफली लाके क्लास में बांटा करते थे। अभी स्कूल में आया हूं, अब कुछ तो इनको करना पड़ेगा। मैं इस स्कूल को, पूरे स्कूल को स्मार्ट क्लासेस में, जो भी जितने भी कमरे सब स्मार्ट क्लासेस में बदलने की घोषणा करता हूं। इस स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई भी होगी, ऑनलाइन पढ़ाई भी होगी। इस स्कूल के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल ऑफिस की भी घोषणा करते हैं। बच्चों की एडमिशन भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से होगी। स्मार्ट क्लासेस बनाने में जितना खर्चा आएगा, स्मार्ट स्कूल बनाने में 50 लाख रुपया इस पर खर्चा आएगा। वो 50 लाख रुपया खर्च करने की भी मैं घोषणा करता हूं। और डिजिटल डिस्प्ले के द्वारा भी स्टूडेंट्स को मैसेज देने की जो बात होगी वो भी इस स्कूल में घोषणा करता हूं। और ये सब पूरे आपके 2 महीने के भीतर होंगे। बहुत बहुत टाइम गुजर चुका है जी, अब याददाश्त भी बहुत कम हो गई है। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, क्लास में कोई शरारत नहीं, कुछ नहीं, पढ़ने में लगन थी, तभी आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और
मतलब बेहद बहुत अच्छा रहा, कभी शरारत नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं मिली। नहीं, सिक्स से पढ़ाया होगा मुझे लगता है उनको, सिक्स सेवन्थ एट्थ इन्हीं क्लासों में पढ़ाया होगा मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि उससे पहले मैं वहाँ नहीं थी। व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कभी कोई शिकायत नहीं मिली। क्लास में आराम से, नहीं क्लास में नहीं रहे जी, हमने नहीं देखा कभी शरारत में, सच्ची बात है, क्योंकि कई बच्चे हैं ना उनकी तो याद है अभी तक, पर नहीं। और मेरे नेफ्यू पढ़ते थे उसी क्लास में जिसमें ये थे, कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी, कोई अब ये तो बताया नहीं जा सकता, बहुत खुशी हो रही है कि चलो एक बहुत बड़े उस पर पहुँचे और प्रोग्रेस करें लाइफ में, सेवा देश, राज्य की सेवा, देश की सेवा, गरीबों की सेवा, उस तरफ लगन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।